हेलो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग एक नई जर्नी की शुरुआत करने वाले हैं और इस नई जर्नी में हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं और केमिस्ट्री के पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, है ना दोस्तों। तो सबसे पहले इस चैप्टर को समझने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं, उन बेसिक बातों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, है ना। तो देखिए दोस्तों, जब अभिक्रियाएं की बात हो रही है तो जब अभिक्रियाओं को हम लोग करते हैं तो सूत्रों के द्वारा लिखते हैं उन सब चीजों को। तो सूत्रों के द्वारा जब लिखते हैं तो उन सब चीजों को समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को पीरियोडिक टेबल को समझना पड़ता है। और पीरियोडिक टेबल में हम लोगों को जितने सारे पीरियोडिक टेबल के तत्व हैं उन सभी तत्वों की संयोजकताओं को याद करना पड़ता है। तो सर, इतने इतने सारे तत्वों की संयोजकता को कैसे याद करेंगे? दोस्तों, सब याद नहीं करना है, बस हम कुछ लिख दे रहे हैं, आपका पूरा पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगा। इसको आप एक ट्रिक ही समझ लीजिए। तुरंत देखिए, एक मिनट के भीतर ही आपको पूरा पीरियोडिक टेबल का संयोजकताएं याद हो जाएगी। और संयोजकताओं, जैसे ही संयोजकताएं याद हो जाएगी, फिर आप कंपाउंड बनाना सीख जाएंगे, रिएक्शन करेंगे, वो संयोग करेगा, संयोग करने के बाद कैसा कंपाउंड बनेगा, कहां, जैसे कहीं पे देखते होंगे दो लग जाता है, कहीं पे हम लोग जब संतुलित समीकरण करेंगे उस टाइम हम लोग समझेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले हम लोग संयोजकता को चुटकियों में याद करते हैं, उसके बाद हम लोग फिर आगे चलते हैं, है ना दोस्तों। तो अभी हम लोग सबसे पहले संयोजकता की बात करते हैं। संयोजकता, तो सर संयोजकता को कैसे याद करेंगे? तो आइए कुछ हम लिख रहे हैं, बस इतना सा जानने की कोशिश करिए, आपका पूरा पीरियोडिक टेबल का संयोजकता पक्का है याद होगा। कुछ लिख रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, सिल्वर, है ना, सिल्वर, गोल्ड की याद रखना की संयोजकता, संयोजकता एक होती है, एक होती है। बाद बाकी सभी तत्वों की संयोजकता दो होती है। हो गया दोस्तों, इतना सा बोलिए याद नहीं कर सकते, बस कुछ ऐसे हैं जैसे आपको बता रहे, जैसे कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, टीन हो गया, इन सब की याद रखना। ये सब चीज उतना हम लोगों के लिए यूजफुल नहीं है, इसकी संयोजकता की बात करेंगे। किसकी संयोजकता? जो हम लोगों को 10th में सबसे ज्यादा, और 10th क्या है, आगे भी आपको ये सब काम देगा, है ना दोस्तों। तो इस इन सब की संयोजकता कितना होता है? चार। कार्बन, सिलिकॉन, आपका शीशा हो गया, और टीन की संयोजकता कितना होता है? चार होता है। उसके बाद जैसे एल्यूमिनियम हो गया, एल्युमिनियम के बाद नाइट्रोजन हो गया, है ना, एल्युमिनियम, नाइट्रोजन, इतना ही याद रखिए, एल्युमिनियम, नाइट्रोजन, और एगो बोरोन, बोरोन भी कर देते हैं क्योंकि ये भी हम लोग को यूज होने वाला है। बोरोन की संयोजकता, की संयोजकता अगर आप देखोगे तो कितना होगा? तीन होगा। इतना तो रख सकते हैं ना आप, अगर इतना सा रख लेंगे तो आपको पूरा पीरियोडिक टेबल रटने की जरूरत नहीं है, है ना दोस्तों। तो आइए उसके बाद कुछ ऐसे आयन्स हैं जिसकी संयोजकता आपको याद रखना होगा, जैसे सल्फेट आयन हो जाता है, कौन, सल्फेट, SO4, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फेट, सल्फेट, है ना। और सल्फेट की संयोजकता दो होती है, जैसे CO3, इसको बोलते कार्बोनेट, कार्बोनेट, कार्बोनेट की संयोजकता कितना होता है दोस्तों? कार्बोनेट की संयोजकता अगर देखें तो दो होता है। उसके बाद यहाँ पे लिख दो, जगह है, कार्बोनेट हो गया, कार्बोनेट के बाद हाइड्रोक्साइड, जैसे OH, एक OH आयन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं दोस्तों,
हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोक्साइड की संयोजकता की बात करोगे तो वन होता है, और एक होता है एनओ थ्री। क्या होता है? एनओ थ्री। एनओ थ्री की संयोजकता, एनओ थ्री को हम लोग नाइट्रेट बोलते हैं, नाइट्रेट, और नाइट्रेट की संयोजकता एक होती है। इतना सा आप यदि याद रख लेंगे तो आप समझ लीजिए केमिस्ट्री का हीरो है। जैसे हम लोगों को इंग्लिश पढ़ने के लिए एबीसीडी पढ़ना पड़ता है ना दोस्तों, वैसे ही आप किसी रासायनिक अभिक्रिया को कराएंगे तो आपको सबसे पहले संयोजकता याद करना होगा। संयोजकता आपके माइंड में होनी चाहिए। जैसे आप अभी देख लीजिए, जैसे आपको हम बोले कि भैया सोडियम क्लोराइड का सूत्र बताइए, आपको बोल दिए कि सोडियम क्लोराइड का सूत्र बताइए, क्योंकि यार कितना आप रटोगे, रट रट के तो जिंदगी खराब नहीं कर सकते ना। इसलिए हम लोगों को सबसे पहली बात तो फिजिक्स केमिस्ट्री इन सब चीजों को रटा नहीं जाता, इन सब चीजों को समझा जाता है। इसलिए चलिए समझते हैं यार। तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है, क्या है सोडियम क्लोराइड हमने बोला, तो सोडियम क्लोराइड का आपको बोले फार्मूला बताइए, तो आप क्या बोलेंगे? रटेंगे नहीं, तो आपको तो पता नहीं रहेगा ना। तो लेकिन इतना तो आप जान सकते हैं कि सर सोडियम का हमको पता है, सोडियम का Na होता है, सोडियम का Na होता है, और क्लोरीन क्लोराइड का हम लोग जानते हैं Cl होता है। अब कैसे, अभी फॉर्मूला क्या बन गया? अभी नहीं बना है दोस्तों। इसको बनाए तो बनाए कैसे सर? तो इसको बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? संयोजकता चाहिए। क्यों क्यों सर ऐसा क्यों बनाए? क्योंकि आप देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम वाला रिएक्शंस जो होगा उसमें आपको खाली वर्ड में लिखा हुआ रहेगा, सूत्र में नहीं लिखा हुआ रहेगा, और बोर्ड एग्जाम में यहां से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है ना दोस्तों। तो इन सब चीजों को नहीं जानोगे तो फिर आप केमिस्ट्री पढ़ोगे कैसे? तो चलिए देखिए, यहाँ पे सोडियम की संयोजकता अगर बात करूं तो 1 अभी हम लिखा है, देख लीजिए इतने में याद हो जाएगा। और क्लोरीन यहां लिखिए, मतलब क्लोरीन की भी संयोजकता कितना? 1। अब इसका जो संयोजकता है इसके साथ इंटू हो जाएगा, इसका संयोजकता इसके साथ इंटू हो जाएगा, तो बोलिए कि क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला ये बन गया। सोडियम क्लोराइड का क्या बन गया दोस्तों? NaCl। कैसे बोल सर? देखिए ना, Na एगो, Cl भी एगो, तो NaCl बन गया। जैसे हम दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते, जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करूं, मैग्नीशियम क्लोराइड है ना दोस्तों, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का सर फॉर्मूला क्या बनेगा? तो आपको इतना तो पता होना चाहिए, मैग्नीशियम का Mg होता है, मैग्नीशियम का Mg होता है, और क्लोराइड का आप भी बोले क्या? Cl। तो आप बताइए मैग्नीशियम, आप देखिए इतना में से मैग्नीशियम आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो ये बात बाकी तत्वों में आएगा, मतलब मैग्नीशियम की संयोजकता 2 है ना। और क्लोरीन यहाँ पे आप देख लीजिए, यानी क्लोरीन की संयोजकता 1, आप इसको इससे इंटू कर दो, इसको इससे इंटू कर दो, तो क्या बनेगा? Mg को 1 से, तो Mg एगो हुआ। अब Cl क्या गो हो गया? देख लीजिए Cl आपका 2 गो हो गया। Cl क्या गो हो गया दोस्तों? 2 गो हो गया। थोड़ा सा अभी इसको और अच्छा से समझते हैं दोस्तों, तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए भाइयों, अभी हम लोग करते हैं आगे। जैसे कुछ कुछ जैसे ले लिया है सोडियम सल्फेट, क्या ले लिए? सोडियम सल्फेट। अब बोलोगे सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला सर कैसे बनाएंगे? आपको याद करने की जरूरत ही नहीं, थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल में तत्वों की संयोजकता, तो तत्वों को तो हम लोगों ने समझ लिया होगा कि सोडियम का Na होता है, मैग्नीशियम का Mg होता है। अब कंपाउंड बनाने के लिए फॉर्मूले, बस जो हमने बताया उतना ही करिए, रटने की कोई जरूरत नहीं। जैसे सोडियम, सोडियम का क्या? Na, Na की संयोजकता 1। सल्फेट अभी लिखा है ना SO4, सल्फेट मतलब SO4, और SO4 की संयोजकता 2। अब इसकी संयोजकता इसमें इंटू हो जाएगा और इसकी संयोजकता इसमें इंटू हो जाएगा, तो आप बोलिए क्या बना? Na क्या गो हो गया? देख लीजिए Na 2 गो। तो सर ये 2 यहां लिखें या यहां लिखें? देखो दोस्तों ये जो इंटू में होगा ना,
जब हम लोग किसी कंपाउंड को बनाएंगे और इंटू संयोजकताओं का इंटू जब किया जाता है तो संयोजकता को यहां नहीं लिखा जाता है बल्कि यहां लिखा जाता है। और SO4 क्या गो हो गया, ए गो। आप देख लीजिए सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या बन गया, Na2SO4। वैसे ही अगर अपन बोलूं कि क्वेश्चन है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्या एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जो भी बोलो आराम से बना सकते हो ना, ऑक्साइड। अब एल्यूमिनियम बोलिए, एल्यूमिनियम का Al होता है, Al की संयोजकता तीन हम बताएं, फिर जाके आप बोलोगे ऑक्साइड मतलब ओ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की संयोजकता दो, ये ऑक्सीजन की जो संयोजकता है वो एल्यूमिनियम के साथ इंटू हो जाएगा और एल्यूमिनियम का ऑक्सीजन के साथ, तो बोलिए एल्यूमिनियम क्या गो बना, एल्यूमिनियम सर दो गो और संयोजकता ही यहां लिखा जाता है और ऑक्सीजन क्या गो तीन गो, देख लीजिए Al2O3 बन गया। अगर आपको बोले, अगर आपको बोले कि आप मेरे को बनाइए एल्यूमिनियम सल्फेट का, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला बनाना है ना, एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला बनाना है, क्योंकि देखिए आप जब चैप्टर जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो चैप्टर में संतुलित समीकरण में ये सब बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए इस तरह पहले ही हम लोग सीख लेते हैं ताकि चैप्टर में हम लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो आप ये एल्यूमिनियम का Al, Al की संयोजकता बोले तो तीन और सल्फेट को बोलते हैं SO4, SO4 की संयोजकता बोले तो दो, ये दो इसमें इंटू हो जाएगा क्योंकि इसकी संयोजकता इसमें और इसकी संयोजकता इसमें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इंटू होता है। तो आप यहां पे देख लीजिए Al क्या गो बन गया, दो गो, SO4 क्या गो तीन गो, ये दो गो एटम है यहां पे, इसलिए यहां पे हम लोग होल लगाएंगे और इसको बोलेंगे थ्राइस, क्या बोलेंगे दोस्तों इसको थ्राइस बोलेंगे, तो Al2SO4 होल थ्राइस, किसका, एल्यूमिनियम सल्फेट का। लेकिन अगर आपको बोले कि आप सूत्र को हिंदी नाम बताइए, हिंदी में नाम बताइए, जैसे यहां पे आपको बोल दिया, क्या बोल दिया कि ये Al2O3 है, तो इसका नाम तीन चार ये सब संयोजकताएं हैं, ये सब देखने की जरूरत नहीं है, Al क्या है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम क्या है दोस्तों, एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम हो गया और ओ से क्या लास्ट में जब रहेगा तो इसको ऑक्साइड बोलेंगे, तो इसका नाम हो गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ऐसे ही अगर बोलो हम K2SO4, इसका K से क्या पोटेशियम, पोटेशियम और SO4 को बोलते सल्फेट, क्या बन गया दोस्तों पोटेशियम सल्फेट, क्या बन गया पोटेशियम सल्फेट। अब कुछ क्वेश्चन अपन यहां पे लिख रहे हैं दोस्तों, कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा है ना। चलिए आप लोग क्या करेंगे, इन सब का रासायनिक सूत्र लिखेंगे, जैसे अभी ले लेते जिंक, जिंक जिंक ऑक्साइड ठीक है, और दूसरा जो दे दे रहे अपन जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, तीसरा अगर बोलूं तो पोटेशियम नाइट्रेट बोलते हैं, पोटेशियम, पोटेशियम नाइट्रेट ठीक है दोस्तों, क्या है पोटेशियम नाइट्रेट। अगर आगे बोलूं और कुछ क्वेश्चन दे दे रहे ताकि समझ में आ जाए बिल्कुल, और नहीं तो है ना। देखिए और एक ले लेते हैं हम लोग कैल्शियम, इंग्लिश में लिखा जा रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट, इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग क्या करेंगे, सबका सूत्र लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों सूत्र लिखेंगे है ना। अब यहाँ पे एक चीज हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं क्योंकि समझना बहुत ही जरूरी है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले,
नहीं तो फिर दिक्कत होगा पूरा चैप्टर में, नहीं पूरा केमिस्ट्री में दिक्कत होगा, क्योंकि ये केमिस्ट्री का एक बेसिक चैप्टर है दोस्तों, और इस चैप्टर को बहुत ही क्लियर क्लैरिटी के साथ समझना होगा। तो आइए सबसे पहले एक चीज हम लोग देखते होंगे, जब किसी एटम को लिखते हैं तो हम लोग कैसे लिखते हैं, एच टू देखते होंगे, सी एल टू देखते होंगे, बी आर टू ऐसे लिखते होंगे, देख रहे हैं ना, ऐसे लिख रहे होंगे, या फिर आई टू, फिर ऐसे करके ओ टू, ऐसे करके एन टू, इस तरह के लिख रहे होंगे। इसका क्या कारण है कि एन टू लिख रहे हैं? सबसे पहली बात, क्लास नाइन्थ में हम लोगों ने पढ़ा था कि परमाणु जो होता है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता, और अभी भी बता रहे कि परमाणु जो होता है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, ठीक ना, बल्कि वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो एक क्लोरीन को यदि लिखेंगे तो एक क्लोरीन है ये, और क्लोरीन एक एटम है, हाइड्रोजन एक एटम है, ब्रोमीन एक एटम है, आयोडीन एक एटम है, ऑक्सीजन एक एटम है, नाइट्रोजन एक एटम है, और जब एक से अधिक एटम आ जाए तो उसे अणु कहते हैं। एक से अधिक एटम अर्थात एक से अधिक परमाणु आ जाए तो उसे अणु कहते हैं। तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजन अणु, ये क्लोरीन का अणु, ये ब्रोमीन का अणु, ये आयोडीन का अणु, ये ऑक्सीजन का अणु, और ये नाइट्रोजन का अणु। तो सर केवल यही सबको लिखा जाता है, सोडियम को ऐसा नहीं लिखा जाता, इसका भी एक राज है भाइयों। सोडियम में बहुत सारे परमाणु होता है, बहुत सारे, और ऐसे अगर आप याद नहीं रख सकते हैं तो आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहे हैं, पीरियोडिक टेबल में जितने सारे तत्व आपका रेड कलर में दिखाई देगा, किस कलर में, रेड कलर में, यानी लाल रंग में आपको दिखाई देगा, वो समझ लेना गैस या अवस्था में है, किसमें, गैस अवस्था में है। और पूरे पीरियोडिक टेबल में कितने तत्व गैस अवस्था में है तो दोस्तों वो है 11, कितना है 11, उन 11 तत्व जो है वो गैस अवस्था में होते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं एकदम शॉर्टकट ट्रिक 2 लगा देते हैं, ठीक है दोस्तों, याद रखना इन सब चीजों में 2 लगेगा, बाद बाकी जो ब्लैक कलर में आपको पूरा पीरियोडिक टेबल में दिखेगा याद रखना वो सॉलिड है, वो गैस नहीं है, और उस सब में हम लोग 2 नहीं लगाते हैं, ये ठीक है ना, वो ऑलरेडी एक मॉलिक्यूल्स के रूप में होता है। तो चलिए दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने यहां पे किस तरह से यौगिक यानी रासायनिक सूत्र में किसी यौगिक को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, या किसी तत्व को मिलने के बाद कैसे बनेगा। जैसे आप अभी पढ़ोगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्शन करेगा तो ये H2O बनता है, क्या बनता है दोस्तों, H2O बनता है। तो सर यहाँ 2 क्यों आ गया, इसका कारण ये है, आप देख लीजिए, हाइड्रोजन की संयोजकता 1, ऑक्सीजन की संयोजकता 2। अब बोलो ऑक्सीजन ये इसके साथ इंटू हो गया, ये इसके साथ, तो हाइड्रोजन क्या गो हो गया, हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन 2 गो हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन की संयोजकता इसके साथ इंटू हो जाएगा, है ना, तो 2 हो जाएगा 2, और ऑक्सीजन क्या गो आएगा, देख एगो, इस तरह से बनता है, याद रखना, ठीक ना। अगर आपने समझ लिया है तो कमेंट करके जरूर बोलिएगा दोस्तों, है ना। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन एक बात इसको जरूर कमेंट करके बताइएगा, तो ले लीजिए दोस्तों, फिर चलते हैं।